नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज मैं आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके फॉर्मूले और उनका नाम बताता हूँ। इनको याद रखना हमेशा के लिए ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ी बातें बताऊँगा मैं आपको, और थोड़ी जो फॉर्मूले हैं उन पर आपको काम करना है, उसे याद करना है। और वो याद हो जाते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप काम करना शुरू करोगे, पढ़ाई करना शुरू करोगे, तो आपको थोड़ी ईजी लगेगी। और ये चीज़ें, आज छोटी सी बात, कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि सर मुझे, हम लोगों को कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, तो मैं कहूँगा याद करने का तरीका तो नहीं बताऊँगा, लेकिन उनके फॉर्मूले याद करना होगा आप लोगों को। तो ये फॉर्मूले तब बताऊँगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, तो कैसे आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं, कैसे उनके नाम याद रख सकते हैं, कैसे उनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ये सब बताऊँगा। तो सबसे पहले आज आप देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड, कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम, फॉर्मूला, दोनों चीजें। उससे पहले मैं एक बात बोलूं, आप सबको धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को अपनाए हैं। सारे सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मेरे चैनल को भी एक बधाई कि इन्होंने आज 50,000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। ये एक खुशी का पल है, तो इस खुशी के पल में आप छोटी छोटी कैंडी लेके खा लीजिएगा, मिठाई लेके खा लीजिएगा। आज दशहरा का आपको शुभकामनाएं। आज हमारे चैनल ने 50K सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं, और हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं केक काटकर, आपके और हमारे मुंह मीठा कर। आज देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, मेरे साथ लिखेंगे भी और उसे नोट भी करेंगे अपनी कॉपी में और याद भी करेंगे। बहुत ही सरल फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना पड़ेगा ही, और अगर ये याद नहीं रहेंगे तो आपको परेशानी क्रिएट हो सकती है। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, उनका नाम बोलते जाऊँगा और आप भी उनके नाम नोट करते जाएंगे। फर्स्ट, CH4, इसको कहते हैं मीथेन गैस। मीथेन गैस, ये मीथेन है, वैसे गैस नहीं बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन ये मीथेन गैस के फॉर्म में होता है, तो मीथेन गैस है। इसको मार्श गैस भी कहते हैं, मार्श गैस भी कहते हैं। सेकंड, C2H6, इथेन। C2H4, एथीन। IUPAC में एथीन बोलते हैं और साधारण नाम में एथिलीन बोलते हैं। C2H2 एसिटिलीन, सॉरी IUPAC में पहले लिख देता हूं इथाइन, और साधारण नाम है एसिटिलीन। C3H8, इसका नाम है प्रोपेन। अब थोड़ा देखें इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है। तो अगर कहें C के साथ चार हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाना है मैं बता चुका हूं आपको। ऐसे ही CH3 एंड CH3, दो CH3 आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह से। यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा दो कार्बन के बीच में। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाना है ये, इसे एक पहले मैंने बेसिक क्लास डाला था उसमें बताया था, आप उनका उपयोग करिए, उनके आधार पर आप समझ जाएंगे। तो मेरा काम आज का है कि ओनली मैं कुछ फॉर्मूले बताऊं और उनका नाम बताऊं। फिफ्थ, C2H5OH एल्कोहल, ये इथाइल एल्कोहल को बोलते हैं इसको, तो इसको IUPAC में बोलेंगे इथेनॉल। इथेनॉल कैसे नामकरण करना है उसके लिए मैंने कुछ वीडियो डाले हैं IUPAC में, उनसे आपको पता चल जाएगा। इसको बोलेंगे इथाइल एल्कोहल। सिक्स, CH3 COOH, नो, मैं पहले आपको एक और चीज देता हूं,
CH3OH, methanol, methyl alcohol, आप समझेंगे कि ये सब याद रखने के लिए बस है, 7HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, इसका IUPAC नेम होगा मीथेनल, मीथेन अल, मीथेनल अल, CH3CO CHO, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, इथेनल, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं सिरका, विनेगर, विनेगर या बोलेंगे इथेनोइक एसिड, C6H5COOH, बेंजोइक एसिड, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा कुछ इस तरह से, ये C6H5 हो गया बेंजीन रिंग और इनके साथ COOH जुड़ा हुआ है, OH C6H5OH, इसको बोलेंगे फिनॉल, इस तरह का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा इनका, CHO C6H5CHO, ऐसा लिखा जा सकता है, बेंजाल्डिहाइड, बस आप ये बात ध्यान रखें कि कैसे ये नाम हुआ है, कैसे इसका नामकरण करते हैं, इनके लिए अलग क्लास होगा। मैं आपको सिर्फ एक ताकत देने के लिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाने से पहले ये फार्मूला याद कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो, इसलिए मैंने इस छोटी सी क्लास लिया है और इससे आपको थोड़ी सी परेशानी से आप बच जाएंगे और इन चीज़ों को भी याद करने की पूरी कोशिश करें। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आप कॉपी में नोट करें और करते जाएं। मैं ये दोबारा ये बोल रहा हूँ कि इसे आप सिर्फ इम्पोर्टेंट कुछ कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको आप जानें, इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूँ। आप नोट कर सकते हैं और अच्छे से करिए। एथिलीन ग्लाइकॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH, ग्लिसरॉल, IUPAC नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, बहुत सरल है पर जब जानेंगे तो बड़े आसान हो जाएंगे, साधारण नाम लिख रहा हूं, CH3OCH3, डाई मिथाइल ईथर, C2H5O C2H5, डाई इथाइल ईथर, C6H5OCH3, एनिसॉल, C
C6H5, OC2H5, phenetol, CH3, COCH3, acetone, IUPAC में इसको बोलेंगे 1, 2, 3 प्रोपेनोन, ये सफिक्स होता है ONE, 21, C6H5NH2, aniline, CHCl3 chloroform, 23, oxalic acid, CH3COOC2H5, ethyl acetate, ethyl acetate, यह एक तरह का एस्टर है, C2H5NH2, ethyl amine, तो इस तरह से कुछ कंपाउंड्स है जिनके आपको किसी भी हाल में नाम, फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जानना जरूरी है। अगर ये नहीं हो तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय या समझते समय बहुत सारी तकलीफ हो सकती है। उन तकलीफों से बचने के लिए आपको इन कंपाउंड्स के नाम, फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप कोशिश करिए, पहले इनको देखें, लिख के देखें, फिर उसके बाद आप उस पर काम करें और बाद में अपने दोस्तों से पूछें, नाम बोलें, उनको नाम बोलने के लिए बोलें, फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला बोलने के लिए बोलें, नाम लिख के दिखाएं। इस तरह से क्या होगा, खुद का भी टेस्ट हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा, दोस्तों को भी याद हो जाएगा। इस वीडियो को इस उद्देश्य से बनाया गया है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि कुछ फॉर्मूले तो कम से कम याद रहे। IUPAC में नामकरण जानते हैं वो अलग बात है, पर उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों की जानकारी होनी चाहिए, तो ये जानकारी आपके लिए काफी मायने रखेगा। आज हम 50,000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं, ये आप ही के सहयोग से हो सका है। आप सबको धन्यवाद, यूट्यूब को भी धन्यवाद, हमारे स्टूडेंट्स को भी धन्यवाद, सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद और एक बधाई आप सबको भी कि आपने इस चैनल को इस ऊंचाई पे लाया है। और ये चैनल आपका है, सिर्फ आपका चैनल है ये, जिस चैनल में आप हमसे और केमिस्ट्री से जुड़ते हैं। आज की क्लास को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, पर उसका कारण जरूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। आप डिसलाइक, अगर क्लास पसंद ना हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पर कारण क्या है वो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम कुछ और कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें। हम चाहते हैं कि हम आपको पूरी तरह से केमिस्ट्री सिखा दें, पर समस्या ये आ रही है कि रोजाना पूरी वीडियोज दे पाना बहुत मुश्किल होता है। हम कोशिश करते जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियोस दे सकें, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस आपको दे सकें, पर ये जरूरी है जो मैंने आज बताया, इनको आप अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से करिए, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा, आगे की चैनल में मिलते जाएंगे। आज दशहरा की या विजयादशमी की आपको मुबारक, आपको बधाई, धन्यवाद।